Hello everyone, myself Shanwaz Mir, Faculty of Diploma Engineering. Today we will discuss our new topic that name is timber. In this topic, we will discuss about the use of th use of timber, defect of timber, defect causes, defect types of timber, the difference between soft wood and hard wood, seasoning of timber. Uh, reasons methods benefits advantages and disadvantages so let's start what is timber wood suitable for building or other engineering purpose is called timber when its form uh, part of living tree it is called standing timber and the when the tree has been felled it is called rough timber when it has been sawn टू वेरियस मार्केट forms सच एज बीम्स प्लैंक्स बैटन एंड इट इज़ कॉल्ड कन्वर्टेड timber. सबसे पहले तिम्बर एक ऐसी लकड़ी है कि जो कि हम अपने कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं चाहे वो बिल्डिंग के पर्पस में हो या फिर किसी दूसरे शटरिंग के पर्पस में हो तो उसको हम तिम्बर बोलते हैं अब अगर तिम्बर स्टैंडिंग फॉर्म में है या खड़ा है उस तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टैंडिंग तिम्बर और अगर कोई टिंबर का पेड़ नीचे गिरा हुआ है या गिराया हुआ है तो हम उसको क्या करते हैं बोलते हैं रफ़ तिम्बर बट अगर उसी टिंबर को हम एक प्रॉपर शेप देते हैं उसी लकड़ी को हम एक अपने यूज़ में लाते हैं चाहे वो बिल्डिंग्स में हो लाइक बीम्स में हो कॉलम्स में हो या उसकी हम जो भी स्कफोल्डिंग या शटरिंग वगैरह करते हैं या उसकी बैटन बनाते हैं प्लाईवुड वगैरह बनाते हैं तो उस तिंबर को हम बोलते हैं कन्वर्टेड तिम्बर दिस इज़ द एग्जांपल्स ऑफ तिम्बर इसमें फेल्ट वाला तिम्बर भी है कुछ पीछे जो हैं फर्स्ट पिक में स्टैंडिंग तिम्बर भी है और बाकी जो दूसरी तीसरी है उसमें इसको एक प्रॉपर शेप दिया गया है ताकि हम उसको यूज़ में ला सकें तो इस तिब्बर को हम क्या बोलते हैं कन्वर्टेड तिम्बर सो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी लकड़ी हम अपनी कंस्ट्रक्शन लाइंस में यूज़ करते हैं किसी भी पर्पस के लिए उसको हम तिम्बर बोलते हैं चाहे वो रफ़ तिम्बर हो या स्टैंडिंग तिम्बर हो या फिर कन्वर्टेड तिम्बर हो इफ़ वी आर यूजिंग दिस तिम्बर इन आवर कंस्ट्रक्शन लाइन इट वुड द वुड इज़ आल्सो नॉन एज तिम्बर नाउ क्लासीफिकेशन ऑफ ट्रीज अब ट्रीज़ को भी क्लासीफाई किया गया है डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ ग्रोथ ट्रीज आर क्लासीफाइड इन टू टू कैटेगरीज जो हमारे पेड़ हैं उनको दो कैटेगरी uh, में डिवाइड किया है uh, उनके अकॉर्डिंग किसके मोड ऑफ़ ग्रोथ के तो फर्स्ट वन है एंडोजीनियस एंड द सेकेंड वन इज़ एक्सोजीनियस अब एंडोजीनियस क्या है द ट्रीज दैट ग्रो इन वर्ड इन अ लॉन्गिट्यूनल फेब्रिस मास सच एज बनाना बेम्बू पाल एंड कैन

ट्री के जो स्टेम होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं और बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं बैम्बू को छोड़ के बाकी वाले जो एंडोजीनियस ट्रीज़ हैं जो इनवर डायरेक्शन में ग्रोथ करते हैं उनको हम अपने कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही लाइट इन वेट होते हैं और बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं देन एक्जोजीनियस ट्रीज़ the trees that grow out outward direction by addition of one concentric ring every year these rings are known as annual ring since one ring is added to the tree every year so the number of annual ring in the stem of tree indicates its age in year the timber obtained from this class of trees is extensively used in engineering work तो एग्जो जो एग्जोजीनियस ट्रीज़ वो ट्रीज़ हैं वो ट्रीज़ की क्लासिफिकेशन है जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में ये ग्रोथ करते हैं और इनको हम क्या करते हैं अपने सिविल इंजीनियरिंग यूज़ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में यूज़ करते हैं और मेन बात इनके हर साल बाद इनके स्टेम में एक एनुअल रिंग प्रोड्यूस होती है जो कि डिटरमाइन करती है इंडिकेट करती है उस ट्री की एज साल में हर साल एक सर्कुलर रिंग ग्रोथ होती है प्रोड्यूस होती है जो कि उस ट्रीज़ की वो ऐज डिफाइन करता है हर साल के बाद तो हर साल में एक रिंग अगर आएगा तो वो एक साल का हुआ अब नंबर ऑफ़ रिंग्स जितने भी होंगे तो जब भी वो पेड़ गिर जाएगा या उसको काटा जाएगा तो वो उससे हम पता लगा सकते हैं कि उसकी ऐज है लेकिन ये सिर्फ एक्जोजीनियस ट्रीज़ में पाया जाता है जो कि हम ये ऐसे ट्रीज़ हैं जिनको हम बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं अपने इंजीनियरिंग वर्क में ये क्लासिफिकेशंस ऑफ़ ट्रीज़ में कुछ एग्जाम्पल बताई गई हैं एक्सोजेनियस और इंडोजीनियस की बैम्बू हो गया बनाना हो गया और दिवदार हो गया ये जो दीदार है बैम्बू और बनाना जो है वो इंडोजीनियस में आते हैं उनमें से हम बैम्बू को यूज़ कर सकते हैं और देवदार कटरी है जो वो एक्जोजीनियस में आता है जिसको हम अपनी कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज़ कर सकते हैं एक इनवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करता है और एक आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करता है तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एंडोजीनियस एंड एक्जोजीनियस देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज़ में अब एक्जोजीनियस और एंडोजीनियस की कुछ टाइप्स हैं टिम्बर अवेलेबल फ्राम एक्जोजीनियस ट्रीज इज़ फर्दर क्लासीफाइड इंटू टू कैटेगरीज जो एक्जोजीनियस की जो क्लासीफिकेशन है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कॉर्नीफोर और एवरग्रीन और दूसरा डेसीड्यूज़ कॉर्नीफोर जो सदा रहते हैं और डेजिट्यूज जो कुछ टाइम पे वो अपने पत्ते या उसकी शाहें टूट जाती हैं सो कॉर्नीफोर और एवरग्रीन दीज ट्रीज सॉफ्ट वुड दीज दीज आर ट्रीज विथ पॉइंटेड लीव दियोदार पाइन चेयर एंड काई बिलोंग टू दिस क्लास ये ऐसे कॉर्निफर वो वाली वुड है जिसमें ये पत्ते भी होते हैं जैसे कि दीदार हो गया पाइन हो गया और ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कॉर्नीफर से या फिर एवरग्रीन से और डेजिड दीज ट्रीज और हैविंग ब्रॉड लीव यार्ड वुड टीक साल शीशम बिलोंग टू तो दिस क्लास जो डेजिड्यूज है ये बहुत ही हार्ड वुड होती है और एक लंबा चौड़ा इसके पत्ते होते हैं और एकदम ये टाल होता है और ये जैसे कि हार्डवुड हो गया जिसमें हार्डवुड आता है टीक का साल का या शीशम के जो पेड़ हैं वो किस में आते हैं डेजिड्यूज कैटेगरी में इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट द यूजेस ऑफ वुड लाइक पोरस एंड फाइबर हार्ड स्ट्रक्चर प्लांट सिस्टम स्टेम विच इज़ द सेकेंडरी System of the vascular tissue consisting of cellulose and it can be defined as wood, it is supportive organs. Then, growth of a timber tree. the timber ki growth? Kaise hoti hai? In spring season, roots of the tree suck a solution of salt from the soil. This solution of salt loses some of the moisture because of evaporation and observed. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर दिस एक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सन मेक द सोल्यूशन एबिट विस्कोशिस दिस ट्रांसफॉर्म विश्कोश सॉल्यूशन इज नॉन एज सैप अब किसी भी तिबर के ट्री की ग्रोथ कैसी होती है कि स्प्रिंग सीजन में ये जो दरख्त हैं ये सॉल्यूशन जो कि सॉल्ट की फॉर्म में होते हैं ये शक करते हैं अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं सॉयल से और फिर वही साल धीरे धीरे अपना जो है वो सॉल्यूशंस को लूज़ करता है ड्यू टू एब्रेशन की वजह से और एब्जर्व करता है कार्बन डाइऑक्साइड हवा से तो ये जो एक्शन होता है ये प्रेजेंस होता है किसकी में सन के में जो कि सूरज की प्रेजेंस में होता है सॉल्यूशन मेक बनाता है और देन उसी को ये ट्रांसफॉर्म करते हैं अपनी न्यूट्रेशन में जिसको हम सैप बोलते हैं ऑन द अदर हैंड इन ऑटम विस्कस सैप डिसेंड्स बिलो द बार्क एंड लीव्स अ थिक लेयर लेयर ऑफ द सैप लेफ्ट बिलो द बार्क गेट ट्रांसफॉर्म टू वुड इज नोन एज कैम्बियम लेयर इट गोज ऑन गेनिंग द स्ट्रेंथ विद द पैसेज ऑफ टाइम ए फ्रेश लेयर दस एडिड ऑन द आउटसाइड ऑफ द ट्री एवरी ईयर Forming a new annual ring. The new ring represent a year's growth of tree. In simple word, we can say that in autumn season, trees uh, suck the salt and convert into sap, and then appear a layer. That layer is known as cambial layer. And after one year, there is a ring. Annual ring produce, and that annual ring represent uh, uh, represent a year growth of that tree it's mean one angular ring is equal to one year number of ring define the uh, age of the tree this is the main structure of a tree this is these are the some components that like uh, shown in the figure there is an inner bark outer bark वेस्कुलर कैम्बियम सेप वुड हार्ट पिथ रे अर्ली वुड लेट वुड ग्रोथिंग ये एक सर्कल है पूरा एक रिंग है जो कि हमें ये डिफ़ाइन करता है कि उस पर्टिकुलर ट्री की कितनी एज है अब जैसे इस फिगर में हम देखें तो अगर इसमें सात रिंग होंगे तो ये सात साल का होगा अब उसी रिंग के अंदर बहुत सारे कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि हम आगे चल के इस पीपीटी में पढ़ेंगे उस स्ट्रक्चर ऑफ ट्री में जो फर्स्ट पॉइंट था वो पिथ और मेडूला था इट इज़ द फॉर्म इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म पोर्शन ऑफ द स्टेम ऑफ द ट्री इट कंसिस्ट ऑफ इंटायरली सेलुलर टिश्यू ये फर्स्ट फॉर्म है स्टेम के अंदर जो कि बनती है किसकी वजह से सेलुलर टिश्यू की वजह से देन द पिथ विच वेन द प्लांट इज यंग कॉन्टेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूट एंड न्यूरिश द प्लांट इट डाइज अप एंड डी के वेन द प्लान बिकम ओल्ड सैप इज़ दैन ट्रांसमिटेड बाई द वुड फाइबर दैट डिपॉजिट अबाउट दिथ जब हमारा कोई भी ट्री यंग होता है उसमें बहुत लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिशन होती है आफ्टर डी के बाद वो पुराना हो जाता है और सैप जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है वुडी फाइबर में और देन वो डिपोजिट हो जाती है उसके पिथ में

The wood is darker in color, stronger, more compact and durable. हार्ट mean us उस ट्री का jo जो paya पाया जाता है ke के आसपास और उस लड़, वो जो लकड़ी होती है वो डार्क कलर में होती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग और ड्यूरेबल होती है देन सेप वुड आउटर एनिमल रिंग ऑफ द ट्री कॉन्स्टिट्यूट द सेप वुड which transmit the sap from roots to branches compared with the heart wood sap wood is lighter in color weaker and more liable to day, decay then bark it is the most uh, it, is more, it is outermost protective covering of the cell and woody fiber on a tree in course of timber or layer split and scale off bark you have outermost Uh, होता है जो आउटर स्किन होती है ट्री uh, की जो कि प्रोटेक्ट करती है उसके सेल्स को और उसके टिश्यूज़ को चाहे uh, वो किसी भी सीजन में हो जो बाहर की स्किन होती है किसी भी तिम्बर को हम उसको बार्क बोलते हैं देन कैम्बियम लेयर मेडुलरी रेज कैम्बियल लेयर आउटर मोस्ट वन रिंग बिटवीन द बार्क एंड सेप कैम्बियर लेयर वो लेयर होती है जो कि बार्क और सैप के बीच में होती है विच इज़ नॉट कन्वर्टेड इन टू वुड इज नोन एज कैम्बियर लेयर जो कि हम उसको कन्वर्ट नहीं करते हैं आ, किसी भी वुड में और उसको हम कैम्बियर लेयर बोलते हैं इफ़ द कैम्बियर लेयर इज़ एक्सपोज बाई रिमूविंग बार्क द सेल्स सीज टू बी एक्टिव एंड रिजल्ट इन डेथ ऑफ द ट्री अगर हम कैम्बियर लेयर को एक्सपोज करेंगे या रिमूव करेंगे तो उस ट्रीज़ के जो सेल्स और टिशन टिशू हैं वो इस रिज़ल्ट में आ जाएंगे कि उस ट्री की डेथ हो गई है या वो खुद बहुत अपने आप गिर गया है देन मेडुलरी रेज दीज आर थिन होरिजेंटल वेन्स रेडिएटिंग फ्राम द पिथ टू वाट द बार्क दे कैरी सेप फ्राम आउटसाइड टू द इनर पार्ट ऑफ ट्री And nourish it. They keep the annual ring tightly gripped together. So medullary rings are those rings who are present in vein radiating from the pit. Their work is to carry sap from outside to the inner part. Basically, medullary medullary rays are provided nutrition to the inner parts of the trees. This is the main example of medullary. रेज सी द पिक्चर एंड अंडरस्टैंड अबाउट द मेडुलरी रेज विच आर प्रजेंट इन एनी ट्री दैन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज करेक्टरस्टिक्स ऑफ गुड तिम्बर कि वाट आर द गुड क्वालिटीज ऑफ तिम्बर एक अच्छी लकड़ी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कैसे बता सकते हैं कि वो एक अच्छी क्वालिटी की तिम्बर है First point, it should be free from the heart of a sound tree and should be free from sap. Then it should have straight and close fiber. Then it should be of uniform color. It should give a clearly ring sound when struck. Dull, heavy sound is a sign of internal decay. It should have regular annual ring. तिब्बर विद नैरो रिंग आर जर्नली द स्ट्रॉन्गेस्ट सो फर्स्ट पॉइंट शुड बी फ्री फ्राम साउंड ऑफ ए ट्री एंड देन जो उसके फाइबर होने चाहिए वो एकदम क्लोज और स्ट्रेट होने चाहिए उसकी शेप एकदम यूनिफॉर्म होनी चाहिए वो एकदम हमें क्लियर रिंगिंग साउंड देनी चाहिए अगर वो डल साउंड देगा तो इट्स मीन उसके अंदर इंटरनल डी के है और उसके इट शुड हैव रेगुलर हर साल के बाद उस पर रिंग आया हुआ होना चाहिए जो कि एक अच्छी क्वालिटी की टिम्बर को डिफाइन करता है देन फ्रेशली कट सरफेस शुड स्वीट स्मेल टीथ ऑफ द सा शुड नॉट गेट क्लॉग वाइल साइंग आउट ऑफ सम वाइटी ऑफ टिम्बर डार्कर एंड हैवियर पीसीज आर स्ट्रोंगर इट शुड हैव ब्राइट एंड स्मूथ सरफेस वन प्लैंट डल अपेरेंस इज़ अ साइन ऑफ डिफेक्टिव तिम्बर इट शुड हैव फर्म एडिशन ऑफ फाइबर एंड कंपैक्ट मेडुलरी रेस जो इसमें जो हम फ्रेशली कट करते हैं किसी भी तिम्बर को ताकि वो हमें एक स्वीट स्मेल दे उसे डिफ़ाइन हो सकता है कि वो एक अच्छी क्वालिटी का तिम्बर है दिन जो हमारा सा होगा जिसे हम उसको कटेंगे उसके अंदर क्लौड नहीं होना चाहिए फंसना नहीं चाहिए और जो उसके अंदर टिम्बर के अंदर वाली जो आ, पीसीज हैं वो एकदम डार्कर और हैवियर होना चाहिए जिससे हम ये अनुमान लगा सकें कि वो एकदम स्ट्रॉन्ग है और उसकी जो अपेरेंस होनी चाहिए वो एकदम ब्राइट और स्मूथ सरफेस होनी चाहिए अगर डल अपेरेंस होगी तो वो साइन है कि दैट इज़ डिफेक्टिव तिम्बर नेक्स्ट डिफेक्ट्स इन तिम्बर

या फिर कुछ घास फूस की वजह से उस पे जो भी डिफेक्ट होगा तो वो हमारा दूसरा डिफेक्ट होगा तो ड्यूरिंग द ग्रोथ डिफेक्ट डिवेल्प ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ़ ए ट्रीज आर स्टार शेक्स दीज आर रेडियल स्प्लिट्स वाइडर ऑन द सरफेस ऑफ द ट्री एंड बिकम नेरोर एज दे मूव टू वार्ड सेंटर दीज आर कास्ड बाई सर्व फ्रस्ट आर बाई सर्व हीट ऑफ द सन जो स्टार शेक होते हैं बेसिकली ये जब हमारा ट्री ग्रोथ कर रहा होता है तो ये उस दौरान पाए जाते हैं और ये होते हैं इस वजह से हैं जैसे कि हीट ऑफ द सन की वजह से या फिर फ्रॉस्ट की वजह से तो फर्स्ट डिफेक्ट जो स्टार डिफेक्ट है वो किससे काज होता है हीट ऑफ द सन एंड फ्रॉस्ट दिस इज़ द एग्ज़ैम्पल ऑफ स्टार शेक्स these are the radial splits as i earlier told you wide on the surface of the tree and become narrow as they move toward the center they are caused by surf frost or by heat of the sun this is the example of star shakes then next is heart shake these are white splits running uh, right through the heart wood of the tree these splits from the pith running toward the sapwood दीज आर काज बाई द श्रिंकेज ऑफ इंटीरियर पार्ट्स बाई डी के बिकॉज ऑफ़ एकोमोलेटिड मिक्स तो हार्ट शेक जो डिफेक्ट है वो इस वजह से होता है कि कुछ जो ट्रीज़ के अंदर के जो इनर पार्ट हैं वो डी के होंगे वो किसी कारण किसीब वुड के कारण या किसी पीथ में किसी के कारण इंसेक्ट लगने से या कोई दूसरा जो इंटीरियर काज हो गया तो उसके कारण वो उनका श्रिंकेज होना तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट आएगा हम उसको हार्ट शेक बोलते हैं देन द थर्ड टाइप थर्ड नंबर इज रिंड गॉल्स दीज आर पेसिकुलर स्वेलिंग कॉज जनरली बाय द ग्रोथ ऑफ द लेयर ऑफ सेब वुड ओवर वर्ल्ड रिमेनिंग आफ्टर ए ब्रांच ऑफ ट्री हैज़ बीन परफेक्टली कट ऑफ दिस इज शॉन इन दिस फिगर इन दिस फिगर द शॉन रेंड गर्ल ऐसे बहुत सारे आपने ट्रीज देखे होंगे कि जिन पे इस तरीके का उनकी आउटर सरफेस पे इस तरीके का कुछ हो जाता है तो इसको हम रिंडगाल होते हैं ये भी एक डिफेक्टिव टिंबर में आता है देन डिफेक्टिव डिफेक्ट्स डिवेल्प आफ्टर द ट्री हैज़ फेल्ड जब ट्री गिर जाता है उसके बाद जो उसमें डिफेक्ट आते हैं तो उसमें सबसे पहला है ड्राई रोट ड्राई रॉट क्या होता है इट इज़ अटैक ऑन तिम्बर बाई फंगस

कुछ और किसी चीज़ का मिक्सचर हो जाना ठीक है तो इसके कारण जो भी डिफेक्ट आएगा बेसिकली फंगस के कारण जो डिफेक्ट आता है उसको हम ड्राई रॉट बोलते हैं देन नेक्स्ट इज़ वेट रॉट इट इज़ डी ऑफ थिम्बर ड्यू टू अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग टू प्रिवेंट वेट थिम्बर शुड बी प्रिवेंटेड अगेंस्ट अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग

रिलेटेड टू द टू डेज टॉपिक और फर्स्ट क्वेश्चन इज द तिम्बर विच इज़ प्रिपेयर्ड इन अ फैक्ट्री एंड अ गीव डिज़ायर्ड शेप अपेरेंस इज नोन एज अगर कोई भी तिम्बर है हम उसको प्रिपेयर करते हैं फैक्ट्री में देन उसको हम एक अच्छी शेप देते हैं एक अच्छा अपेरेंस देते हैं तो वो क्या कहलाएगा इंडस्ट्रियल तिम्बर कहलाएगा सॉफ्ट तिम्बर कहलाएगा या हार्ड तिम्बर या फिर नन तो इसका ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा अगर कोई भी हम तिम्बर को किसी भी इंडस्ट्री में तैयार करते हैं तो वो एक उसका जो जवाब होगा वो इंडस्ट्रियल तिम्बर होगा देन द स्ट्रक्चर ऑफ वुड विजिबल इन नेक्ड आई इज़ कॉल्ड माइक्रो स्ट्रक्चर मैक्रो स्ट्रक्चर बोथ एंड बी एंड नॉन अगर हम किसी भी पेड़ को अपनी विजिबल आंखों से देखते हैं अपनी नेक आँखों से उसको विजिबल करते हैं तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा माइक्रो होगा या मैक्रो होगा तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मैक्रो स्ट्रक्चर होगा देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनर स्किन आर लेयर कोवरिंग कैम्बियम लेयर इज़ कॉल्ड जो हमारी अंदर की इनर स्किन है और कवर करती है किसको इसको कैम्बियर लेयर को वो उस क्या कहलाएगा इनर बार्क आउटर बार्क मेडुलरी रेज या ऑल ऑफ द अबो तो हमने इसके बारे में पढ़ा था तो ये इनर बार्क होगा देन नेक्स्ट क्वेश्चन द आउटर स्किन आर कवर ऑफ द ट्री इज़ नॉन एज बार्क जो अभी हमने पढ़ा कि जो आउटर स्किन है जो कि ट्रीज़ की uh, ट्रीज को स्किन को कवर करता है उसको हम क्या बोलते हैं uh, क्या ये, uh, उसको हम बार्क बोलते हैं इज इट ट्रू और फॉल्स तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ट्री होगा जो वाटर स्किन है जो कि ट्री की आ, आ, वुड को वुड की या ट्री की स्किन को कवर करता है उसको हम बार्क ही बोलते हैं हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शाहनवाज अहमद मीर फैकल्टी ऑफ डिप्लोमा डिपार्टमेंट सुरेश ज्ञान बिहार यूनिवर्सिटी सो टुडे इन आवर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर वीडियो वी विल डिस्कस about the proportioning of concrete mixture like how we will uh, mix the concrete what are the various methods of mixture of concrete which type of grade are used and how we will achieve the strength of a concrete after number of days so today's video we will discuss about these topics the learning objective of this uh, topic is to deliver the knowledge about proportioning of concrete mixture like how we will mix the concrete with different types of grade how we will take the different proportions of materials and the learning outcomes are student will learn about the proportioning of concrete mixture first of all we will start from introduction Mixture proportioning the process of determining the quantities of concrete ingredients using local materials to achieve the specified characteristics of the concrete. A properly proportioned concrete mix should possess these qualities. First, one is acceptable workability of freshly mixed concrete, then, durability. स्ट्रेंथ एंड यूनिफॉर्म अपेयरेंस ऑफ हार्डन कंक्रीट सो मिक्स प्रपोशन उस प्रोसेस को कहते हैं कि जिसमें हम कंक्रीट की क्वांटिटीज को कंक्रीट के क्वांटिटीज में जो लोकल इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं उनको हम कैसे मिक्स करें उनका मिक्स प्रपोशन कैसे बनाएं, जितने भी लोकल मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं सीमट सेंट एग्रीगेट उनसे जो मिक्स प्रपोशन बनता है वो एक प्रॉपरली प्रोपोर्शन कंक्रीट मिक्स कैसे बनाएं तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो कहता है कि वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स जो फ्रेश कंक्रीट होती है वो डिपेंड करता है उसकी वर्केबिलिटी पे वर्केबिलिटी वो प्रोसेस हो गया कि कंक्रीट को सब कम इन्ग्रीडियंट्स uh, को इकट्ठा करके फिर उसको मिक्स करना देन अगर हमारी फ्रेशली वर्केबिलिटी अच्छी होगी तो उसे हमें स्ट्रेंथ मिलेगी ड्यूरेबिलिटी उस कंक्रीट की अच्छी होगी और एक यूनिफॉर्म अपेरेंस होगा हार्डन जब वो सेट हो जाएगा जब कंक्रीट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सेट हो जाता है तो हम उसके बाद वो स्ट्रेंथ वो ड्यूरेबिलिटी और जो हम अपेरेंस है वो हम उसमें अचीव कर सकते हैं देन नेक्स्ट है सेलेक्टिंग मिक्स करेक्टरस्टिक्स ऐसे कौन कौन से कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर मिक्सिंग डिपेंड करता है फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ सेलेक्टेड मिक्स कंक्रीट बेस्ड ऑन The intent use of concrete, the exposure condition, the size and shape of members, the physical properties of concrete such as strength required for structure. तो सबसे पहले जो use है वो concrete का के हम उसको एक अच्छे से जो mix करें एक अच्छा intent बनाके हम उसको mix करें एक अच्छी freshly से hardened state में जब हो जाए ताकि हमें वो proper strength मिले देन उसके बाद है एक्सपोजर कंडीशन कि हम किन कंडीशन में मिक्स कर रहे हैं कौन कौन सा जो मटेरियल हम यूज़ करेंगे वो किस किस कंडीशन में है और जाहिर सी बात है कि अगर गुड क्वालिटी का मेंटेन करेंगे तो हमें अच्छा एक्सपोजर मिलता है देन नेक्स्ट है साइज़ एंड शेप ऑफ द मेंबर अब किस साइज़ का वो उस जो भी हम एग्रीगेट इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं वो किस साइज़ में है एंड उसका शेप क्या है किस पोजीशन में है वो देन उसके बाद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ़ कंक्रीट सच एज स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड अब कोई भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें ये ज़रूरी हो जाता है कि वो हमें जो भी हम उसमें मटेरियल यूज़ करें हम ताकि उससे मैक्सिमम स्ट्रेंथ अचीव करें तो ये जो चार पांच फैक्टर हैं ये कंक्रीट पे मोस्टली डिपेंड करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ द रिक्वायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट ट्वेंटी एट डेज शुड स्पेसिफाइड

तो उसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं इसमें यह है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है उसकी कैलकुलेशन 28 डेज के बाद ही हम पता कर सकते हैं जो कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ ताकि हमें 99 परसेंट स्ट्रेंथ मिले चाहे जितने भी उसमें वेरिएशन हों अगर कुछ टम्परेचर के कारण हों या फिर कोई दूसरी स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ हो तो कहने का मतलब कि जो भी हमें रिक्वायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए ट्वेंटी एट डेज के बाद किसी भी स्ट्रक्चर के लिए ताकि वो ड्यूरेबल रहे और उसके जो स्ट्रेंथ मिले या फिर उसमें जो अपेरेंस हो वो हमें अच्छी मिले देन नेक्स्ट इज वाटर सीमेंटिंग मटीरियल रेशो वाटर सीमेंटिंग मटीरियल सेलेक्टेड फॉर द मिक्स डिज़ाइन मस्ट बी लोएस्ट वैल्यू रिक्वायर्ड टू द मीट द डिज़ाइन एक्सपोजर कंसिड्रेशन वैन द ड्यूरेबिलिटी डज नॉट कंट्रोल द वाटर सीमेंटिंग मटीरियल रेशो शूड बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाटर सीमट रेशो मतलब कि हम कितना पानी मिक्स कर रहे हैं उस सीमट में उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं वाटर सीमट मटीरियल रेशो अगर हम जितना हमें रिक्वायर होगा जितना हमें हमारा ग्रेड कहता है कि उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है आई कोड के अकॉर्डिंग चलना है अगर हमें आ, वाटर सीमट को मेंटेन करना है तो हमें आई कोड को फॉलो करना पड़ेगा और अगर बात करें किसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की तो हमें वाटर सीमट रेशो क्या करना चाहिए सेलेक्टेड होना चाहिए किसके बेसिस पे कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेस पे। इन सच द वाटर सीमेंटिंग मटेरियल रेशो एंड मिक्स प्रपोर्शन फॉर द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ should be based on adequate field data and trial mixture with the actual job materials then the second most ingredient are used in concrete is aggregates two characteristics of aggregate have an important influence on proportioning concrete mixture because they affect the workability of the fresh concrete they are grading पार्टिकल साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेचर ऑफ पार्टिकल शेप पोरोसिटी सरफेस टेक्सचर, ग्रेडिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अटेनिंग एन इकोनॉमिकल मिक्सचर बिकॉज इट्स अफेक्ट द अमाउंट ऑफ कंक्रीट दैट कैन बी मेड विद ए गिवन अमाउंट ऑफ सीमटिंग मटीरियल एंड वाटर एग्रीगेट एक ऐसा इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंक्रीट में जो कि एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है कंक्रीट को स्ट्रेंथ अचीव करने में जैसे कि हम सबको पता है कि कंक्रीट कंक्रीट में मिक्स करने के लिए हमें चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले एग्रीगेट्स हो गया सीमट हो गया सेंड हो गया देन वाटर हो गया जो सीमट है वो बाइंडिंग का मटेरियल का काम करता है जैसे हम एग्रीगेट्स और सेंड और पानी को डालते हैं तो ताकि वो उसे क्या करें आपस में उनको बाइंड करें बाइंडिंग मटीरियल का काम करता है और बात करें एग्रीगेट्स की एग्रीगेट एक ऐसी चीज़ है कंक्रीट में जो कि क्या करती है उस कंक्रीट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है फ्रेशली कंक्रीट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है हार्डन स्टेट में जाने के लिए अब एग्रीगेट्स की बात करें तो एग्रीगेट्स में दो चीज़ें मैटर करती हैं इनकी ग्रेडिंग मैटर करती है जो कोई पार्टिकल साइज और डिस्ट्रीब्यूशन कितनी सी की से हम इनको पास कर रहे हैं और उनका साइज़ क्या है नेचर ऑफ़ पार्टिकल्स किस टाइप्स के हैं वो कि क्या शेप है उनकी क्या पोरोसिटी है क्या सरफेस उनकी अपेयरेंस कैसी है बट ऑन द अदर हैंड जो ग्रेडिंग है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर अदा करता है कि इसमें प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट मिक्सचर में तो इसमें जो भी दो पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं वो है ग्रेडिंग एंड नेचर ऑफ पार्टिकल साइज़ तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि जो एग्रीगेट्स है वो कंक्रीट में स्ट्रेंथ अचीव करने का काम करता है नेक्स्ट इज स्लम कंक्रीट मस्ट ऑलवेज बी मेड विद वर्केबिलिटी इज मेजर्ड ऑफ हाउ इजी आर डिफिकल्ट इट इज़ टू प्लेस कंसोलिडेट एंड फिनिश कंक्रीट कंसिस्टेंसी इज द एबिलिटी ऑफ फ्रेशली मिक्सड कंक्रीट टू फ्लो प्लास्टिसिटी डिटरमाइन कंक्रीट ईज ऑफ मोल्डिंग जो कंक्रीट हमेशा तैयार होता है उसमें वर्केबिलिटी को हम मेज़र करते हैं चाहे वो कंक्रीट को हम कहीं भी प्लेस करें या कहीं भी फिनिश करें कंसिस्टेंसी एक ऐसा फैक्टर है कि जो कि हमें ये बताता है कि आप ये ग्रेड यूज़ करेंगे तो उसके लिए इतना वाटर चाहिए इतनी सीमेंट यूज़ करेंगे तो आपको उतना उसको पानी देना है और प्लास्टिसिटी ये डिफ़ाइन करता है कि प्लास्टिसिटी से हम कंक्रीट हमारे लिए और भी आसानी कर देता है मोल्डिंग के प्रोसेस के लिए टेबल नाइन पॉइंट सिक्स रिकॉमेंडेड स्लम्स फॉर वेरियस टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन दिस टेबल इज रिकमेंडेड बाई आई एस कोड इसमें यह बोला गया है कि कंक्रीट कंस्ट्रक्शन है और स्लम्प कितना होना चाहिए अगर हम स्ट्रक्चर के बीच कुछ भी बना रहे होंगे तो उनके लिए अलग अलग स्लम्प की वैल्यू होनी चाहिए जिसमें मैक्सिमम भी बताई है और मिनिमम भी बताई है रेनफोर्स फाउंडेशन वाल्स एंड फूटिंग में कम से कम जो स्लम्प मिलीमीटर में होना चाहिए वो सेवेंटी फ़ाइव एम एम होना चाहिए और मिनिमम ट्वेंटी फाइव एम एम होना चाहिए प्लान फूटिंग और सबस्ट्रक्चर वाल में सेवेंटी फाइव होना चाहिए और मिनिमम ट्वेंटी फाइव होना चाहिए बीम्स और वाल्स में हंड्रेड एम एम होना चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम होना चाहिए ट्वेंटी फाइव ये हमारा आई एस कोड बोलता है बिल्डिंग कॉलम्स में हंड्रेड एम एम होना चाहिए और मिनिमम ट्वेंटी फ़ाइव एम एम होना चाहिए पेवमेंट एंड स्लैब्स में सेवेंटी फाइव एम एम होना चाहिए और मिनिमम ट्वेंटी फाइव होना चाहिए मास कंक्रीट में कम ज़्यादा से ज़्यादा सेवेंटी फाइव एम एम होना चाहिए और कम से कम ट्वेंटी फाइव एम एम होना चाहिए नेक्स्ट इज वाटर कंटेंट वाटर कंटेंट्स मीन हाउ मच क्वान्टिटी ऑफ वाटर वी आर यूजिंग इन कंक्रीट लाइक इंफ्लुएंस बाई अ नंबर ऑफ फैक्टर कुछ फैक्टर हैं जो कि इसमें मेन रोल प्ले करते हैं एग्रीगेट साइज शेप टेक्स्चर देन उसके बाद स्लम्प नेक्स्ट इज वाटर टू सीम सीमटिंग मटीरियल रेशो एयर कॉन्टेंट सीमटिंग मटीरियल टाइप एंड कॉन्टेंट एडमिक्सचर इन्वायरमेंटल कंडीशन सो वाटर कंटेंट एक ऐसी टर्म है जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इसको कि हम जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं सीमट सेंड या एग्रीगेट उसको पानी कितना देना है कितनी क्वांटिटी में पानी देना है अगर एग्रीगेट इस साइज़ का होगा इस शेप का होगा या हमारा स्लम्प इस टाइप का होगा या फिर हम वाटर सीमटिंग मटेरियल में कितना रेशो दे रहे हैं कि हम कौन सा एडमिक्सचर यूज़ कर रहे हैं तो वाटर कंटेंट मतलब कि हम कितना क्वान्टिटी में हमें कितनी उस ग्रेड में कितनी क्वान्टिटी का वाटर रिक्वायर है उस प्रोसेस को हम वाटर कॉन्टेंट बोलते हैं द प्रपोर्शन ऑफ कंक्रीट मिक्सचर द डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स द अस्टेबलिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक कंक्रीट करेक्टरिस्टिक द सेलेक्शन ऑफ परपोर्सन ऑफ अवेलेबल मटीरियल टू प्रोड्यूस कंक्रीट ऑफ रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ विथ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट में क्या है कि हम जो भी सिलेक्शन करते हैं अपने पास जो हमारे पास मटेरियल्स अवेलेबल हैं उनकी जो आ, कितनी इकोनॉमी में हमें वो मिल रहे हैं कितना हमें उनका प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड है ताकि हम उस कंक्रीट को प्रोड्यूस कर सकें अगर हम जो भी हमारे पास मटेरियल अवेलेबल होंगे उनका यूज़ करेंगे उनकी जो शेप सरफेस होनी चाहिए या टेक्स्चर uh, होना चाहिए वो एक रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज में होना चाहिए ताकि हमें उसे क्या मिले एक प्रॉपर स्ट्रेंथ प्लस ड्यूरेबिलिटी मिले मेथड्स ऑफ प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट वेट प्रोपोर्शनिंग मेथड सिंपल एंड क्विक फॉर एस्टिमेटिंग मिक्सर प्रोपोर्शंस यूजिंग ए एज्यूम्ड और नॉन वेट ऑफ कंक्रीट पर यूनिट वॉल्यूम एब्सल्यूट वॉल्यूम मेथड मोर एक्ोरेट मेथड विच इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ़ रिलेटिव डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यूज ऑफ आल इन्ग्रीडियंट्स टू कैलकुलेट द एब्सल्यूट वैल्यू ईच विल ऑकोपाई इन यूनिट वॉल्यूम कंक्रीट दिस मैथड विल बी इलस्ट्रेटेड बेस्ड ऑन फील्ड एक्सपीरियंस स्टेटिस्टिकल डाटा और ऑन ट्रायल मिक्सचर सो पहला जो हमारा मैथड है वेट प्रोपोशनिंग मैथड ये एक सिंपल और क्विक मेथड है जिसमें हम कंक्रीट में जो भी इन्ग्रीडियंट्स यूज करते हैं उनका वेट करके डालें इस मेथड को हम वेट ऑफ कंक्रीट पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं देन उसके बाद है एप्सल्यूट वॉल्यूम मेथड ये एक ऐसा एक्यूरेट मेथड है कि जिसमें हम कंक्रीट की रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करते हैं और एक अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके एक एस्टिमेट बना के फिर उसको हम तैयार करते हैं या फिर हम फील्ड एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना जो भी डाटा है उसको तैयार करते हैं हमें कुछ भी आ, काम शुरू करने से पहले कंक्रीट को स्टार्ट करने या कैलकुलेशन करने से पहले कुछ स्टेप्स जो हैं वो अपने दिमाग में याद रखने पड़ते हैं फर्स्ट उसमें फर्स्ट पॉइंट है सीव एनालिसिस ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट फाइनेस ऑफ मॉडुलस ड्राई रोडेड यूनिट वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल एब्जॉर्शन कैपेसिटी वेरिएशन इन द Uh, approximate mixing water required with slump, air content and grading of the available aggregates. Then relationship between strength and water cement ratio for available uh, combinations of cement and aggregate. Job specification if any. Maximum water cement ratio, minimum air content, minimum slump, maximum size of aggregate, and strength at early age is normal at 28 days. Regardless of ऑफ वेदर द कंक्रीट are आर by the द स्पेसिफिकेशन और लेफ़्ट मिक्स डिज़ाइनर इन द मिक्स proportion इन किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट कैन बी computed इन द फॉलोइंग sequence. सबसे पहले हमें सीव एनालिसिस का ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी सीव से हम एग्रीगेट को पास कर रहे हैं देन उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए उसकी मटीरियल्स uh, की वो जो एग्रीगेट्स um, हम यूज़ करेंगे वो मॉइस्चर फ्री होना चाहिए फिर उसके बाद रिलेशनशिप आ जाता है स्ट्रेंथ और वाटर सीमेंट रेशो का फिर उसके बाद हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है ताकि हमें ट्वेंटी एट डेज़ के बाद कितनी स्ट्रेंथ मिलती है देन उसके बाद फिर हम फॉलोइंग जो भी डाटा है जो भी कैलकुलेशन है वो तैयार करते हैं किसी भी फॉलोइंग सिक्वेंस में